Hey friends, marhaba, I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should flaunt your smile with lots of positiveness, support, smile, peace, friends. असल में ये ईद का समा है, रंगारंग जहाँ है, कोरोना है तो क्या हुआ, लॉकडाउन है, नो प्रॉब्लम, हम यहीं पे ईद मना लेंगे म्यूज़िक से. मैं चाहती हूँ कि आपको एंटरटेन करूँ और उसके लिए स्पेशली आज आए हैं आपको अपने प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए ऋषभ इशू. तो आइए, आपकी चॉइस के, आपकी पसंद के गाने और लाइव आपको सुनाने जा रहे हैं, लेट्स एंजॉय. आप जो है हमें सैया सुना रहे थे, उससे पहले आपने हमें अपने उस्ताद के बारे में बताया था, तो मैं दोबारा चाहूंगी कि आप रिपीट से अगर हमें अपने उस्ताद के बारे में बताएं और उसके बाद हमें वो सॉन्ग जो है सैया दोबारा से स्टार्ट करें. मैं जब गा रहा था ये गाना तो मुझे सिर्फ अपना चेहरा हिलता हुआ दिख रहा था, तो मुझे लगा कि समीरा जी एकदम स्टैचू सी हो गई. ओके. फिर अच्छा, फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये शायद नेटवर्क का झोल है, तो मुझे भी शांत हो जाना चाहिए अभी. शायद मैं अकेला गा रहा हूँ. जी बिल्कुल. तो आप पहले हमें अपने उस्ताद के बारे में बताइए दोबारा, जो आप ने जिनसे सीखा है, जिनसे आपने तालीम ली है. अजी, मैंने बेसिकली रजनीश कुमार नाम है उनका, मेरे जो गुरुजी हैं उनसे मैंने इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ली बकायदा पटना में. और मैं बेसिकली पटना में ही एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, आपने नाम सुना होगा शायद, जहाँ बुद्ध भगवान जी की पढ़ाई हुई थी, मैं उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. तो उस वहाँ एक छोटा सा शहर है बिहार शरीफ, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ. तो मैं जब सीखने जाता था तो बिहार शरीफ और पटना का जो रास्ता का है ना, वो बेसिकली 3 घंटे का रास्ता है. तो मैं हर सैटरडे संडे बाय रोड सीखने के लिए जाता था. तो मैं 1 से 1.5 साल 2 साल तक मैंने सीखा गुरुजी से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया. लास्ट टाइम मैंने आपसे जो बात किया था इंटरव्यू में, तो मैंने उनसे बकायदा ट्रेनिंग ली इंडियन क्लास के लिए. असल में हम बाद में एडिट करके जो है इंटरव्यू हम जो है यूट्यूब पे और हर जगह पे लगाते हैं, फिर उसको बूस्ट करते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा ये मटेरियल जो है वो जमा करते हैं, बाद में हमारा एडिटर वो सारा एडिट कर देता है. ये है तो सैया सॉन्ग जो है आप सुना रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें वो दोबारा सुनाएं. जी बंतमाला तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया, ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए, अब बावरा हुआ मर जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागर हो गई है तेरी जोगर, कोई प्रेम की पुजारण मंदिर सजाए सैया सैया. बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत. तो आप कितनी उम्र से आपने सीखना शुरू किया? मैं गाया करता था बहुत छोटे से उम्र में, लगभग 5 साल की उम्र से गाया करता था, यूं ही गाता था. अच्छा. लेकिन मैंने बकायदा इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग, जब मैं बेसिकली कॉलेज में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, और मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया फर्स्ट ईयर करके, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था. एंड उसके बाद मैं घर गया, बिहार शरीफ जो मेरा होम टाउन है, वहां जाने के बाद मैंने इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ली. आई गेस 2013 की ये बात है, और मैंने मुश्किल से 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ट्रेनिंग लिए हुए, लेकिन हाँ बचपन से गाया करता था मैं गाने. सही. नेक्स्ट आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे?
मैं नेक्स्ट आपको एक बड़ा प्यारा सा गाना है, अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना है, प्रीतम दा ने कंपोज किया था उसको। आपने भी, बहुत लोगों, जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों ने भी सुना होगा, कलंक एक फिल्म आई थी उसका टाइटल ट्रैक था। हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और हीर जैसी, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है बादल पिया, कलंक नहीं इश्क है बादल पिया, दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिसको वो जाने रोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये सरजोग है, जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे हुए ना खुद से पराए, हम किसी से ना ना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और हीर ऐसी, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। आप थैंक यू सो रोजाना मच। रियाज करते हैं? रोजाना आप रियाज करते हैं? हाँ मैं रियाज करता हूँ, वो तो हमारा जड़ है। मैं उसके बिना, कहता है ना, मैं जब तक रियाज नहीं करता तब तक मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ। हमारे हमारे लिए वो सांस है, सांस जब तक नहीं लेते तब तक इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं तो डेली रियाज करता हूँ। रियाज करने का क्या तरीका है? रियाज मैं इंडियन क्लासिकल की जो भी मैंने ट्रेनिंग ली है, वो मैं राग रियाज करता हूँ, तानपुरा पे अलंकार रियाज करता हूँ, और बहुत मजा आता है। तो आप जैसे जहाँ पे रहते हैं वहां पर लोग आदि हैं कि आप जिस तरह कोई आवाज जाहिर बाहर जाती होगी तो वो कुछ वो नहीं करते कि आप आपकी आवाज आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? ये होता है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं बेसिकली मैं जब फ्लैट में शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो वहाँ सोसाइटी, हर सोसाइटी की का एक सेक्रेटरी होता है, तो उसने बोला कि बैचलर अलाउड नहीं है सोसाइटी में, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू यू नो प्रोसीड फ्रॉम दिस सोसाइटी। तो हम लोग सोच में पड़ गए, यू नो अभी तो एक दिन पहले शिफ्ट हुए हैं तो अभी कैसे। तो अगले दिन मैं बैठ के यूं ही हॉल में रियाज कर रहा था और अचानक से बेल बजा। मेरे को लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा जोर से तो रियाज नहीं कर रहा हूँ, कंप्लेन आ गई सेक्रेटरी की तरफ से। तो जैसे ही दरवाजा खोला मैंने और सेक्रेटरी ने बोला कि ये कौन सा गाना चल रहा है, मैंने बोला सर मैं रियाज कर रहा हूँ। तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा गाना चल रहा है, मैंने बोला सर रियाज कर रहा हूँ मैं, ये तानपुरा बज रहा है। तो अच्छा आप रियाज कर रहे हो। तो वो उस वक्त से क्या हुआ ना, वो लोग आके बैठ के सुनने लगे मुझको, तो लोग बोलना स्टार्ट कर दिया कि खिड़की खोल के रियाज कीजिए आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो मेरे हाँ, साथ ये हुआ ग्रेट, जबरदस्त। है। मैं चाहूंगी कि आप हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं जो आप अमूमन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपके सबसे करीब है, उसके बाद हम वो सॉन्ग्स भी लेंगे जो ऑडियंस सुनना चाह रही है। 100%। जी एक आपको फोक सॉन्ग सुनाता हूँ, हाँ। ये बेसिकली पंजाबी पहाड़ी हिमाचली फोक गाना है अच्छा और बहुत ही प्यारी गीत है। मैं हर बहुत, मतलब जब भी कॉन्सर्ट करता हूँ ये गाना जरूर गाता हूँ मैं, और ये मेरे बहुत दिल के करीब है गाना। सो बेसिकली गाना ये है कि चंबा
गाने का नाम है चंबा। माए नी मेरी ये शिमले दी राहे, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी ये शिमले दिराहे, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, लाइया मोहब्बत दूर दराजे, लाइया मोहब्बत दूर दराजे, अखियां ते होया कसूर है, चंबा जाना जरूर। माए नी मेरिए शिमले दिराहे, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। बहुत अच्छे, चंबा के जगह का नाम है, राइट? है ना? ओके, ये बेसिकली पहाड़ी जगह है, उस तरफ हिमाचल की तरफ पड़ता है, उसके ऊपर गाना बनाया गया था ये गाना। ओके, मैं आपको जबरदस्त गाना सुनाता हूँ, एक सूफी गाना है, नुसरत साहब का गाना है जी, आपने वो गाना सुना होगा, तेरे बिन नहीं लगता। हाँ, सही। जानिया हानिया जानिया हानिया वे, मैं दुख सुख तेरे नाल बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, 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 हो पुछ काले बदला तो सीने बिच अग लागे, लग गईया कई बरसाता, हो पुछ काले बदला तो सीने बिच अग लागे, लग गईया कई बरसाता, हो तुर गयो सजना नींदना खोके, जाग के कटिया राता, अभी जाना सता वास्ता प्यार दा, हे रुटा सोनिया मुर नैया हानिया, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। बहुत अच्छे, बहुत प्यारा सॉन्ग आपने सुनाया। और सोनू पहाड़ी, प्लेबैक सिंगर फ्रॉम पहाड़ी परिंदे बैंड, वी वेलकम यू, वो यहाँ पर आए हैं और आपका हमारे साथ इस शो में है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर मुंबई में आपकी म्यूजिक एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, किस क्या आपके रोज़ो शब हैं जब आप यहाँ पर, डेफिनेटली आप यहाँ पर इसीलिए एज अ सिंगर ही काम कर रहे हैं और रहते हैं, तो बताइए जरा अपना जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में। हर सिंगर की जो एक बेसिक चीज होती है वो होता है रियाज, जो रूट होता है, तो मैं रियाज के बिना रह ही नहीं सकता। बिना गाए, कहते ना बिना इंसान पानी पिए रह नहीं सकता, वैसे ही मैं बिना गाए बिना रियाज किए नहीं रह सकता। तो मैं रियाज करता हूँ और
संगीत मेरे लिए संगीत सब कुछ है, खाना है, हवा है, पानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट सांस है। तो मैं ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रियाज करता हूँ और म्यूजिक बनाता हूँ। मेरे बहुत अच्छे अच्छे बैंड मेंबर्स हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ मिलके गाने बनाते हैं हम, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, शोज करते हैं, यू नो, और सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, सिर्फ म्यूजिक और कुछ नहीं, पॉजिटिविटी एंड म्यूजिक, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है, बिकॉज ऊपर वाले ने हमारी सर्किट ऐसी बनाई है, डाई जो सर्किट होती है हमारे सर में, वो संगीत संगीत की ही बनाई है। सो हमें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो सुबह उठना तब संगीत, रात में सोना तब संगीत, और सोते सोते भी सपने भी देखना तब संगीत। तो जीवन ही पूरा हमारा संगीत है। आप खुद भी गाने कंपोज करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट? खुद भी, राइट राइट जी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। एक एक यू नो, संगीत भी दो किस्म का होता है, एक मधुर संगीत होता है, एक जो बहुत हल्ले वल्ले होते हैं, यू नो, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट थिंग, कि जो बहुत शोर शराबा होता है वो संगीत मेरे हिसाब से वो संगीत नहीं है। तो जो अच्छा संगीत होता है, जो अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, अच्छे सिंगर्स होते हैं, वो अच्छी अच्छे संगीत की क्रिएटिविटी करते हैं। मैं तो बहुत म्यूजिशियंस के साथ, मैं खुद गाने लिखता हूँ, सूफी गाने लिखता हूँ, और मैं अपने म्यूजिशियंस को, गिटारिस्ट को बोलता हूँ कि भाई इस पे धुन बना और ऐसा गाने का फील है, और उसके बाद फिर और एक मैंने बहुत ही प्यारा गीत लिखा है, बनाया भी है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो रिलीज भी होगा। ये लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा फंसा गया है, लेकिन देखते हैं वो लॉकडाउन खत्म हो जाए तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग फटाफट करके और रिलीज करना है इसको, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है गाना। तो क्या रिलीज करने से पहले थोड़ा सा वो सॉन्ग आप हमें सुना सकते हैं अभी? वो गाना अभी तो थोड़ा सा सस्पेंस रखना जरूरी है। तो आपको मजा आएगा ये जब वो गाना रिलीज ये होगा। जी जी, ये सॉन्ग हम आपसे फिर सुनेंगे रिलीज होने के बाद। और ऑडियंस, मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, और इसके बाद भी जो इसको एडिट वर्जन में देखेंगे, कि BJM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से बिरेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ, इस शो को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जो है वो माबून मददगार रहते हैं। ऋषभ विशु, ये मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो जो गाने बनाए हैं, जाहिर है आप उनको ऑडियंस तक पहुंचाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना कंपटीशन है, तो उस हिसाब से आप किस तरह से अपने आप को उस कंपटीशन में समो पा रहे हैं? किस तरीके से कंपटीशन में अपने आप अपनी जगह बना पा रहे हैं? और कंपटीशन का जाहिर है एक स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है। 100% आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कंपटीशन, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी आपको बोला था कि इतनी अच्छी अच्छी आवाज है मार्केट में, लेकिन क्या होता है ना कि पहली चीज तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा ऐसा मानना है कि लोग भीड़ में भागते हैं, यू नो, भीड़ में ही जाते हैं। मेरी जो डेस्टिनी है शायद कुछ और है। प्लेबैक सिंगर, यू नो, जैसे बहुत पुराने पुराने जो सर हो गए, अरिजीत सिंह, इन लोगों का जो था ना, ये लोग भीड़ में कभी नहीं कूदे, तभी आज वो सक्सेसफुल है, यू नो। तो खुद को कहते ना, खुद का रास्ता बनाना, मैं शायद वही कर रहा हूँ। मैं भीड़ में जाना कभी पसंद नहीं करता कि वहां पे भीड़ है उस चीज की, तो मैं भी जाके, यू नो, सो मैं बनाऊंगा, लेकिन शायद मेरा तरीका दूसरा है, पहुंचना वही है लेकिन शायद तरीका दूसरा है। तो मैं बाकी खुद को मोटिवेट करना चाहिए, और बींग एन आर्टिस्ट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आर्ट को पॉलिश करते रहना, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है कि आपको आपकी किस्मत कब कब चमक जाए वो, यू नो, यू नेवर नो। सो लगे रहना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज कि आप गाते हैं तो रियाज जरूर रखें। मेरा टिप है, यू नो, मैं जितने भी लोग हैं जो गाने वाले हों, जो बजाने वाले हों, मेरे लिए एक छोटा सा वो है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि हमेशा रियाज करें, प्रैक्टिस करते रहें, वो आपको ही फायदा देता है। मैं चाहूंगी आप हमें कोई और अपनी पसंद का एक गाना है, तू ही मेरी शब है, क्या आप वो गा सकते हैं? तू ही मेरी शब है,
मैं कोशिश करता हूँ, बहुत टाइम हो गया ये गाना मैं गाया करता था, जब तक ऑडियंस से भी मैं कहूंगी कि अपनी पसंद के गाने यहाँ पर लिखें, ताकि हमें मौका मिले कि हम आपकी पसंद के कोई चॉइस के कोई गाने जो है वो आपको सुना सकें। प्लीज प्लीज जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं प्लीज आप अपने गाने की डिमांड कर सकते हैं, मैं जरूर गाऊंगा। मुझे वो गाना आता होगा तो मैं 100% गाऊंगा वो गाना, आपके लिए गाना गाता हूँ समीरा जी। तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे जिएगा सदा होके ये तुझसे जुदा, ओ ओ ओ मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा। बहुत थैंक यू। जबरदस्त, बहुत अच्छे। और यहाँ पर हमारे पास एक जो है एक डिमांड आई है, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। इसको शायद इसके लिए भी याद नहीं है। ऐ खुदा उसका ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। इतना सही आता है मुझे, मुझे माफ करें प्लीज। राइट। थैंक यू सो मच ऋषभ। मैं चाहूंगी आप ईद की मुनासबत से अपना कोई मैसेज दीजिए अपने मिडिल ईस्ट के फैंस को, जरूर। क्या कहें? जितने व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी ईद। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, ढेर सारा ख्याल रखें, स्पेंड करें और हेल्दी रहें और पॉजिटिव रहें। और आज ईद है, अपने परिवार के साथ ईद मनाएं और समीरा जी का शो देखते रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। आप अपनी तरफ से अगर कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं इस वक्त जाते जाते एट द एंड परफॉर्मेंस, तो लेट मी नो। एक गाना सुनाता हूं मैं आपको, शायद ही आपके लिए। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखता रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखता रवा, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है, मैं पूजा तेरी तेनू दिल वाले शीशे से सजाया, तेनू दिल वाले शीशे से सजाया, दिल कर वेखता रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखता रवा। बहुत अच्छे, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और चलते चलते अलविदा अलविदा अब कहना ना अलविदा, हम ये सॉन्ग और सुनेंगे आपसे और उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जरूर। छुपके से कहीं धीमे पांव से आगे बढ़ चले हम कहीं, लो इन बाहों को ठंडी छांव को फिर भी कह चले अलविदा, अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, ये सांसें कहती है अलविदा, अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा। थैंक यू सो मच ऋषभ,
स्टे कनेक्टेड, इसी तरह गाते रहिए और सब हम सबको एंटरटेन करते रहिए और दिलों को मिलाते रहिए. ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू थैंक यू एवरीवन. सो मच. यू टू, थैंक वी यू. टू, यू टू. बाय बाय बाय. बाय टेक केयर. बाय. नमस्ते. बाय. जी दोस्तों, आई होप आपने म्यूज़िक इन्जॉय किया होगा. बगैर म्यूज़िक के जो लाइव इस तरह के शोज़ होते हैं उसमें आप आवाज़ और उसका ठहराव और उसकी खूबसूरती और उसकी नगमगी इन सब से इन्जॉय कर सकते हैं जो आपने किया. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा. जनाब, इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा उसके लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जनाब. यूट्यूब पे समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल पे, और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, सब जगह समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल आपके लिए है दस्तियाब. और BGM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता और समीर अजीज एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ इस शो को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत काम करते हैं दिन रात. तो चलिए जनाब, हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और आपके साथ किसी नई पर्सनालिटी को मिलवाएंगे पॉजिटिविटी के लिए. जनाब, टिल देन, मा सलामा, बाय बाय.